तो नमस्कार दोस्तों, टेक इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। आज मेरे पास आया है ये दो बल्ब। अब देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत सस्ते बल्ब है। 30 रुपये में आ जाता है एक एक हमारे मार्केट में यहाँ पर। तो ये दोनों बल्ब मेरे गांव के एक मामा ने दिया है, बोला है कि ये दोनों रिपेयर कर दो। 30 रुपये में ख़रीदा है तो मैं इसको 3 रुपये में रिपेयर करके दूंगा ये मेरा दावा है। तो चलिए देखता हूँ दोनों बल्ब में क्या क्या फॉल्ट है। तो ये है इको स्मार्ट 9 वाट LED लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है इसमें। अरे यार हद कर दिया दोस्तों, देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। कितना घटिया ब्रांड का हो सकता है, इसमें तो थोड़ा सा नाम लिखा है और कुछ भी नहीं है इसमें डिटेल्स। तो चलिए इसमें क्या खराबी है खोल के देखते हैं। वाओ, ये तो मुझे अच्छा दिख रहा है। अब दोस्तों देख सकते हैं सारे LEDs क्लीन दिख रहा है, क्लीन मतलब LEDs तो ठीक है मुझे लगता है। फॉल्ट क्या है दोस्तों देख सकते हैं, ये वायर, सिर्फ ये वायर छूट गया है, डिस्कनेक्ट हो गया है ये वायर। तो इसका तो थोड़ा सा ही प्रॉब्लम था, तो इसको रख देता हूँ, ये रिपेयर हो जाएगा 100%। ऐसे भी प्रॉब्लम होता है वायर, घटिया ब्रांड का क्या आप सोच सकते हैं क्या क्या हो सकता है इसका। इसको देखिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका क्या हुआ है देखते हैं। हाँ अब देख सकते हैं एक LED जल गया है। अरे यार हिल रहा है, एक स्क्रू लगाया है दोस्तों देख सकते हैं आप, स्क्रू भी बचाता है ये ब्रांड, एक ही स्क्रू लगाया है और ये जो LED है खराब हो चुका है। तो आपको दिखाता हूँ कैसे रिपेयर करना है, उसमें देखता हूँ उसमें भी स्क्रू है कि नहीं। अरे दोस्तों यार मैं नोटिस ही नहीं किया, इसमें तो कोई भी स्क्रू भी नहीं है, मजबूत है तो फिर भी इसका वायर छूट गया है। तो लगा देता हूँ, पहले इसको रिपेयर कर देता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ इसका। कैसे वायर डिस्कनेक्ट हुआ मुझे पता नहीं। सोल्डरिंग पेस्ट लगा लेना पड़ेगा पहले आपको, नहीं तो वायर कनेक्ट नहीं हो पाएगा। कर लिया हूँ, फोकस कर, सोल्डरिंग आयरन चला देना है, थोड़ा सा सोल्डरिंग लगा लेना पड़ेगा। हो गया है शायद, 100% रिपेयर हो चुका है। कौन सा वाला है, ये वाला नहीं, ये वाला, वो ये तो रिपेयर हो चुका है, बाद में टेस्ट करके दिखा दूंगा। तो इसको कैसे रिपेयर करें, इसका जो एक LED खराब हो चुका है मतलब जल चुका है। तो दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें जो सारे LEDs है वो सारे सीरीज में है, मतलब इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव के साथ, उसका नेगेटिव उसके पॉजिटिव के साथ, ऐसे सारे LEDs कनेक्टेड है। अगर एक LED खराब हो जाता है तो सारे LED ऑफ हो जाता है। और ये है वोल्टेज कंट्रोलर जो कि 220 वोल्टेज से, इसमें जितने सारे LEDs यूज हुए हैं उसका वोल्टेज को कंपेयर करके इसको एडजस्ट करके रखा हुआ रहता है। मान लीजिए यहाँ पर 80 वोल्ट आउटपुट देता है, तो 80 वोल्ट ही आउटपुट देगा। तो 80 वोल्ट में शायद धर लीजिए, मतलब ये अगर 3 वोल्ट का है तो इसको अगर शॉर्ट कर देते हैं तो उसमें वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, तो सारे LED भी जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए इस LED जो जल गया है उसको तो रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये SMD LEDs होता है। तो चलिए मैं आपको एक तरीका दिखा देता हूँ कैसे। देखिए ऐसे साफ कर लिया मैंने, उसके बाद सोल्डरिंग पेस्ट लगा देता हूँ, सोल्डरिंग पेस्ट, उसके बाद सोल्डरिंग आयरन से थोड़ा थोड़ा इसमें सोल्डर कर देना है।
एक तरफ शोल्डर हो गया, दूसरी तरफ शोल्डर हो गया। अगर शॉर्ट कर देते हैं फिर भी काम करेगा, लेकिन जल्दी सारे एलईडीज खराब हो जाएगा। उसके लिए मुझे लेना पड़ेगा एक रेजिस्टर, जो कि मैंने यहाँ पर पहले से एक निकाल के रखा है, जो कि 10 ओम का है। इसके बदले आप 100 ओम, 150 ओम का भी लगा सकते हैं। तो 100 ओम का ही 10 ओम का ही लगा देता हूँ। आप 10 ओम से 150, 200 ओम तक भी लगा सकते हैं, लेकिन 200 ओम लगाएंगे तो हीट हो जाएगा ज़्यादा। 10 ओम का लगा देता हूँ मैं। इसको पहले मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। दोस्तों अनकट में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए थोड़ा सा। अगर बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है तो इग्नोर कीजिए, कंटेंट में फोकस कीजिए। तो इसको भी सोल्डरिंग टेस्ट लगा देना पड़ेगा थोड़ा। बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर कीजिए दोस्तों। तो शोल्डर कर देता हूँ एक एक करके। एक बार शोल्डर हो चुका है, दूसरे को शोल्डर कर देता हूँ। और थोड़ा सा शोल्डरिंग लगा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें मैंने फोकस कर, हाँ यस, देखिए दोस्तों 10 ओम का रेजिस्टर ने जो एलईडी का दो पार्ट था, जला हुआ एलईडी का, उसके साथ कनेक्ट कर दिया हूँ। तो अब ए बल्ब रेडी हो चुका है। तो चलिए सारे एलईडी को टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो रिपेयर हो चुका है हमारा एलईडी। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, वो पहले टेस्ट तो देख लीजिए, उसके बाद लाइक देना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे और भी वीडियोस अच्छे अच्छे लाने वाला हूँ। तो इस बार है टेस्ट करने की बारी। मैं अनकट वीडियो बना रहा हूँ, तो एक होल्डर मैं उतार लेता हूँ। मैंने ले लिया है 200, देख सकते हैं ये मेरा दूसरा बल्ब है 220 वोल्ट का जल रहा है। तो हमारे जो रिपेयर हुए बल्ब हुआ है उसको एक एक करके चेक करता हूँ। ये कौन सा वाला है जिसमें रजिस्टर फिट किया, वो वाला है, टेस्ट करता हूँ। आई होप कि वर्क करे। यस दोस्तों यस, लाइक कर दीजिए इसी बात पे। हो चुका है ये 1 रुपये में रिपेयर, 3 रुपये लूंगा। उसके बाद ये कुछ भी नहीं हुआ था, वायर टूटा था। वाह, ये भी रिपेयर हो चुका है, कमाल है। 30 रुपये के बल्ब को मैंने 3 रुपये में रिपेयर कर दिया। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी ऐसी वीडियो आप आगे पाते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।